रूम दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन सा रूम कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गर पंचकोट रिसोर्ट इको टूरिज्म पार्क, जो कि हम लोग जा रहे घूमने। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहें, अंदर में क्या क्या है, क्या क्या वहाँ पे है, सब दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। और अभी फ़िलहाल हम लोग रास्ते में ही है, बस पहुँचने वाले हैं। पीछे देख रहे हैं पहाड़, पंचित पहाड़, सरबड़ी से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर है और ये पड़ता है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और बढ़िया लगे तो एक कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली लोग के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नए हमारे चैनल में तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। हम लोगों ने अभी बाइक पार्किंग लगा दिया है और अभी अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो अभी यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ एक भैया रहते हैं जान पहचान वाले, वो हमें बताएंगे कि क्या क्या है अंदर, क्या क्या नहीं, सब वो गाइड करने वाले हैं मुझे। तो अभी चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहे। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और अंदर में रूम दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन सा रूम कैसा है। हम लोग जो विवेक भी है वो हमको गाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो दिखाने जा रहे हैं विवेक भी है हम लोग का, क्योंकि तो मोहल्ले में ही रहते हैं। कर रहे हैं ये डबल बेडरूम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डबल बेडरूम। इसका भी जो रूम प्राइस है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर भी बहुत ही काफ़ी बढ़िया हुआ है।
आप लोगों ने रूम देखा, अंदर में रूम दिखाए आप लोग को, पीछे जो ये बिल्डिंग है उस पर रूम है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखने, जो कि यहाँ का जो स्विमिंग पूल है और भी यहाँ रूम है, तो देखते हैं उधर वो कैसा रूम है। बैंक्वेट, यहाँ बैंक्वेट है, देखते हैं। यह बैंक्वेट हॉल है, जो कि यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह कुछ भी होता है तो यहाँ पे होता है, शादी रिसेप्शन, शादी वगैरह भी होता है ना। क्या बोले, 350 आदमी कैपेसिटी, शादी उदी सब होता है ना। सेटिंग अरेंजमेंट 350 आदमी का कैपेसिटी है, बड़ा सा हॉल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंटीरियर भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया है। ये भी हम लोग जो थाली देखे, ये भेज थाली है, और दुर्गा पूजा के टाइम में जो कि स्पेशल महाभोग थाली दिया जाता है यहाँ पे, जैसे कि भैया यहाँ के लोग बोले हैं यहाँ पे। तो थाली देखे बहुत ही, मैंने कि देख के ही पेट भर गया, ऐसा थाली यहाँ पे सजाया, नहीं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ पे। ये रूम का नाम है मिनी कॉटेज, मिनी कॉटेज रूम, डबल बेड ये भी है। उधर बहुत ही बढ़िया एकदम खूबसूरत पिक्चर लगा हुआ है, टीवी है, एसी है। यूनिट की गाइड किए हैं वो भैया, ये है भैया, नाम बोलिएगा अपना, अजय गोप। कुछ बताइएगा इसके बारे में, कुछ भी आपको कुछ नॉलेज है? नहीं है, हाँ बस रूम दिखाए ना। चलिए धन्यवाद, बहुत थैंक यू, आप इतना कष्ट करके थोड़ा टाइम निकाल के मेरे लिए आए, रूम दिखाएं। आप लोगों ने देखा यूनिट 2 के रूम,
और अभी देखते हैं आगे क्या क्या है, जो कि हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन आगे क्या है यही लोग बताएंगे और जानेंगे क्या है आगे क्या नहीं है। पीछे जो नज़ारा है वो बहुत ही भुंदा नज़ारा है एकदम। यहाँ देख सकते हैं आप लोग बैठ के, थोड़ा शाम को टाइम पास करने का भी जगह है और पहाड़ है पीछे। तो आप लोगों ने अभी देखा घर पंचकोट इको टूरिज्म रिसोर्ट और पार्क जो है वो देखे, अंदर में क्या क्या था, क्या क्या डिश था, बड़ा टेस्टी टेस्टी डिश था, और रूम भी एक से एक रूम देखने को मिला आप लोगों को। तो मैंने ये स्लिप रूम का स्लिप तो दिखा ही दिया हूँ। और दुर्गा पूजा में स्पेशल कुछ यहाँ बनता है, जो कि आपको बोले थे कि खाना के मामले में ये भोग थाली बनता है, भोग था, ये तो भेज थाली था, वो भोग थाली अलग से उसका होता है। और स्विमिंग पूल देखें, और अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिट टू, तो यूनिट टू में क्या क्या है वो देखते हैं। अभी यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है यूनिट टू। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिट टू, यूनिट वन देख लिया, अब यूनिट टू यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। और ये पीछे देख सकते हैं पंचित पहाड़, बहुत ही भयानक लग रहा है पीछे पंचित पहाड़। देखने आ गए हैं, जो कि यहाँ के भैया, भैया आपका नाम सुभाष प्रवानी, जो कि दिखा रहे हैं यहाँ हम लोग को, पूरा टूर करवाएंगे यूनिट टू में क्या क्या है अपने गाड़ी में। तो यूनिट टू में देखते हैं ये क्या नाम है ये रूम का, डिलक्स रूम, यूनिट टू का डिलक्स रूम। टूर करवाएं, थैंक यू भैया थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग को घुमाने के लिए यूनिट टू। पीछे देख सकते हैं पूरा यूनिट टू। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ही मज़ा आया घूम के घर पंचकोट इको टूरिज्म। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कौन सा पार्ट आपको वीडियो में बढ़िया लगा वो नीचे कमेंट में ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। और नए हैं हमारे चैनल में तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी दबा दे ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जा पाए। थैंक यू गाइस, वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं।